एक कंप्लीट स्फेयर के अंदर भी एक थ्री डायमेंशनल एंगल होगा नॉर्मली क्या होता है ना हम कॉपी पे बनाते तो हमें आदत कॉपी वाली हो जाती है अब थ्री चीज इमेजिन करने में बच्चों को दिक्कत होती है तो जरा ये चीज समझना अगर मैं आपसे बोलू सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल एट सेंटर ऑफ एट सेंटर ऑफ स्फेयर कितना होगा तो आपको करना क्या है मेरे एंटरप्रेंटर ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर दसवीं में सिखाया जाता था मेरे एंटरप्रेंटर वेरी गुड वेरी गुड एक बच्चा कह रहा है थ्री सिक्सटी डिग्री और भाई ओ ओ क्या कर रहा है थ्री डायमेंशनल एंगल की बात हो रही है सर्कल के सेंटर पर कितना होता है ये नहीं पूछ रहा स्पेयर क्या होता है स्पेयर बॉल होती है थ्री डायमेंशनल बॉल ठीक है गेंदा जिसको तुम कहते हो तो एरिया कितना होता है भैया एक स्पेयर का सारे बच्चे बताइए जरा देखा जाए बबुआ सर पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए है नाम डिबो देंगे अभी ये एरिया कितना होगा वेरी गुड ये होगा आपका फोर पाई आर स्क्वेर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेर तो ये कट जाएगा बेटा तो एंगल सॉलिड एंगल एट सेंटर ऑफ स्पेयर जो होता है बेटा दैट इज फोर पाई स्टी रेडियन ये होता है फोर पाइस टी रेडियंस वेरी गुड बस इतना करना है आपको इसका इसका अगर एंगल चाहिए तो बस इस